नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाव और मैं विजय दत्त पिंटू। भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू जाने के क्रम में जब हम यहां से लौट रहे हैं तो भगवान बिरसा मुंडा के गांव के ठीक पहले रुगड़ी गांव है और उस रुगड़ी गांव में यहां पर हम लोगों को देखने को मिला एक बेहद ही सांस्कृतिक सुंदर कार्यक्रम। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोग नृत्य कर रहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा दर्शकों कि इस जनजातीय समाज में जो लोग हैं उन लोगों के बीच में इस तरह का नृत्य संगीत का कार्यक्रम जो है वो कृषि से जुड़ा होता है, क्योंकि कृषि पे आधारित जीवन शैली है और इस जीवन शैली में जब भी फसल लगाए जाते हैं उस समय में एक कार्यक्रम होता है जो कि धार्मिक कार्यक्रम होता है। जब फसल की कटाई होती है तो उस समय इस प्रकार का नृत्य संगीत से भरपूर एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें कि सभी लोग आपस में मिल करके लोगों में आपस में नृत्य करके इस दिन को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, पूजा होती है और साथ ही सभी लोग मिल करके आपस में इस दिन को खास बनाने के लिए इस दिन में एक सामूहिक नृत्य करते हैं, संगीत होता है और पूजा पाठ होता है और उसके बाद में इस दिन को पूरी उत्साह उमंग और उल्लास से मनाया जाता है। तो उलिहातू के ठीक पहले रुगड़ी गांव में हम यहां उपस्थित हैं और इस रुगड़ी गांव में जो है यह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि ढोल नगाड़े बजा करके लोग यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इस उत्सव को मना रहे हैं। या हमारे जो बंधु हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इस पूरे क्षेत्र में इस प्रकार का उत्साह हुआता है। आइए थोड़ा जानने का भी प्रयास करते हैं कि कोई बता सके कि किस प्रकार से यहाँ पर पूजा की जाती है। आइए, हमारे पीछे में आप देख पा रहे हैं कुछ लोग नृत्य में, इन्हीं में से हम इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। तो सुनिए ना, ज़रा बताइएगा ये इस कार्यक्रम के बारे में, क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। शर्मीले लोग होते हैं गांव के भोले भाले। आइए, हमारे साथ एक युवा साथी हैं, युवाओं से हमें होता है कि कुछ नहीं, बस इस कार्यक्रम के बारे में पूछेंगे। कार्यक्रम के बारे में बताइए ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ हम लोग का रास कर्म हो रहा है, पारंपरिक कर्म है, त्यौहार भी है, पूर्णिमा के समय में हम लोग गाड़ते हैं। धन्यवाद। तो पूर्णिमा के अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ, क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, किस उपलक्ष्य में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, बताइए। हर साल ये महीने में होता है, हर साल ये जब फसल की कटाई के समय होता है। हाँ, होता है। क्या क्या करते हैं इस दिन में? ये तो क्या चीज, कुछ नहीं होता, ये ऐसा प्रोग्राम, ये तो हर साल यही होता है। अच्छा, यहाँ पूजा भी किया आप लोग ना, ये क्या पूजा कहते हैं इसको? पूजा तो करम पूजा होता है। अच्छा, करम पूजा हुआ है, तो ये करम पूजा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो नृत्य है वो आयोजित हो रहा है और किस प्रकार से सभी लोग मिल करके आपस में इस दिन को खास बनाने के लिए इसे उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, इसे कि करम पूजा कह रहे हैं। यहाँ पर करम पेड़ की डालियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं और बहुत ही सुंदर सजावट है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यही इस झारखंड राज्य की सांस्कृतिक खूबसूरती है कि यहाँ पर जो भी खास दिन होते हैं उस दिन सारे गांव के ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और सभी मिल करके आपस में नृत्य करते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए, गीत गाते हुए इस दिन को पूरे मन से, पूरे उत्साह से और पूरे उल्लास से मनाते हैं। तो ये खूबसूरती है भगवान बिरसा मुंडा के, झारखंड के उस स्थान की जो उनका जन्म स्थली है। ये संस्कृति है भगवान बिरसा मुंडा के गांव की, भगवान बिरसा मुंडा जिनके नाम पर झारखंड राज्य का गठन हुआ और उनके जन्मदिन के दिन इस झारखंड राज्य के गठन के दिन को चुना गया। तो उस गांव की ये सांस्कृतिक खूबसूरती हमारे कैमरा सहयोगी के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और लोगों में बहुत ही खुशी, बहुत ही उत्साह है, बहुत ही उल्लास है और आपस में जो है वो एक लय पकड़ चुके हैं नृत्य के और
की जरूरत होती है, क्योंकि यह लय ही है जो हमें जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, इस संगीत में एक मधुर लय है जो हमें उत्साह देता है, जीवन की खूबसूरती और जीवन के खूबसूरत रंगों की ओर हमें प्रोत्साहित करता है, हमें बताता है कि जीवन का हर एक दिन खास है। जी हाँ, एक सामान्य सा दिन, जिस दिन फसल की कटाई हुई, उस दिन लोग आपस में मिले, इस प्रकार से पहले पूजा प्रार्थना हुई, जो इनके इष्ट देव होते हैं उन्हें ये सबसे पहले उस अनाज का, उस अन्न का प्रथम भाग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पित करते हैं, और उस सब के बाद में सभी कोई मिल करके नए नए कपड़े पहन करके आपस में एकत्रित हो करके इस प्रकार का एक सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, जिस आयोजन में इस प्रकार से लोग आपस में एक सामूहिक नृत्य करते हैं, बेहद ही सुंदर, खूबसूरत और बहुत ही समृद्ध परंपरा और संस्कृति का दर्शन देखने को मिला। आइए और हमारे साथ जुड़िए और इस संगीत का आनंद लीजिए। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक भगवान बिरसा मुंडा के गांव से ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं, और ताज़ा राजनीतिक सामाजिक अपडेट्स के लिए बने रहे दृष्टि नाव के संग। कैमरा सहयोगी रिक्की राज के साथ मैं विजय पिंटू, फिलहाल इतना ही। ये खबर कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।